हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमित ट्रैवल व्लॉग्स। दिस इज होस्ट सुमित रॉय। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, डूइंग हेल एंड हार्टी। सब बढ़िया है, सब अच्छा कर रहे हैं। टुडे इज 2 जून 2022। टुडे इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। बेसिकली यू नो दैट आई एम स्टेइंग इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तेलंगाना में स्टेट में रहता हूँ 16 साल से। आई एम स्पोर्टिंग इन हैदराबाद एंड तेलंगाना इज फॉर्म 9 ईयर्स बैक ऑन 2 जून 2013। तो 9 साल हो चुके हैं, हम लोग तेलंगाना के ही रेजिडेंट हैं नाउ। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे, गुड डे फॉर एवरीबॉडी स्टेइंग इन तेलंगाना। तेलंगाना फॉर्मेशन डे है तो छुट्टी है आज। बेसिकली ऑफिसेज आर क्लोज्ड, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लोज्ड इन हैदराबाद, ऑल ओवर तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफिसेज एज वेल प्राइवेट ऑफिसेज आर क्लोज्ड। छुट्टी होती है पूरे स्टेट में आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को। तो बेसिकली आज हम आप छुट्टी पे हैं और कल वैसे फ्राइडे है, वैसे कल भी मैं पता नहीं, शायद मैं छुट्टी पे रहूँगा और देखते हैं। एंड सैटरडे संडे इज कमिंग अप, तो लॉन्ग वीकेंड हो गया बेसिकली। बट आज ये है कि आज मैं हम लोग अब्रप्ट प्लान बनाया हमारा, आज छुट्टी है बोल के अब्रप्ट प्लान बनाया कि हम लोग अनंतगिर हिल्स जाएंगे। बेसिकली वी हैव डन अम्प्टीन नंबर ऑफ टाइम्स, हम कई बार जा चुके हैं अनंतगिर हिल्स। वी हैव बीन टू अनंतगिर हिल्स अम्प्टीन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत बार जा चुके हैं हम। हर महीने में एक दो बार चले ही जाते हैं बेसिकली। तो साल में हम कम से कम 10-15-20 बार चले जाते हैं अनंतगिर हिल्स, बिकॉज इट इज ओनली 87-90 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। दैट दुर्गम सॉरी दैट नागासमुद्रम लेक, कोटेपल्ली रिजर्वायर, और उसके बाद अनंतगिर हिल्स है और उसके बाद टेम्पल है बेसिकली वहाँ, अनंत परमेश्वरम टेम्पल। तो वो बेसिकली देखने के लिए हम लोग चले ही जाते हैं महीने दो महीने में एक बार। तो आज हम बेसिकली ये है कि मैं पहले मेरा मूड था कि हम कार से जाएंगे बेसिकली। मैं बलेनो वैसे स्टैंडिंग आउटसाइड आर होम ऑलरेडी, सुबह निकाली थी मैंने तो वो खड़ी हुई है बेसिकली बाहर ही। तो मेरा मूड था कि मैं कार से जाऊँगा, बट माई वाइफ इज इंसिस्टिंग दैट हम लोग राइड करें, स्कूटी या बाइक ले जाएं। तो मैंने बाइक डिसाइड की बस फाइनली कि मम्मी एवेंजर स्ट्रीट 150 से जाएंगे। हम लोग निकल रहे हैं बेसिकली अभी, और इट इज़ राइट नाउ 10:40 हो रहा है बेसिकली, 10:40। बाय 11 वी इंटेंड टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। 2 से 2.25 घंटा लगता है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हूँ तो मैं आराम से बाइक चलाऊंगा, ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाऊंगा। 90 किलोमीटर नॉर्मली 2 घंटा लगता है क्योंकि ब्रेक्स है और थोड़ा सा लैंडस्केप वाले रास्ते हैं। तो बेसिकली मैं 2.5 घंटे में भी पहुँचूँ, रिलैक्स मूड में हूँ, 2.25 से 2.5 घंटे में पहुँचूँ, कोई दिक्कत नहीं है। विल रीच देयर बाय 1:30 लेट्स से, मैक्सिमम बाय 1:30। उसके बाद वहीं थोड़ा सा चिल मार के, वहीं थोड़ा सा खाने पीने के आइटम होते हैं वो सब खा पी के, देन वील प्रोसीड एट अराउंड अबाउट 3:30 या 4 बजे निकले तो घर 4:30 से 6:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो वन डे टू टू रणधीर हिल्स बेसिकली, दिस इज अ वीडियो फॉर टुडे। तो मैम मिलते हैं बेसिकली, हम जब तक ऑन द गो होते हैं बाइक पे, माई वाइफ विल मेक सम वीडियोज सिटिंग पिलियन, माई सन विल बी सिटिंग बिटवीन अस, सैंडविच बिटवीन अस बाइक पे। एवेंजर इज अ प्रिटी लॉन्ग बाइक बेसिकली, गद्दी बहुत बड़ी होती है उसकी, बैठने की सीट बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग आराम से पकड़ जाते हैं उस पर, हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। तो सी यू वंस स्टार्ट। हेलो गाइस, सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस। वी आर जस्ट बिफोर शंकरपल्ली। माई बाइक इज पार्क, माई सन इज हियर। हेलो हेलो, वी आर एंजॉइंग इट। दिस इज माई बाइक, माई वाइफ, माई सन, मी। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर कर लिए लगा हमने, और अभी ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर्स और हैं बेसिकली। हाफ एन आवर हुआ है बेसिकली घर से निकले हुए, इट्स 11:30 राइट नाउ। एंड मैं आराम चला रहा हूँ, रिलैक्स चला रहा हूँ, मैक्सिमम 60 कर रहा हूँ, मैं 60-65 मैक्सिमम कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड 40-50 आएगी बेसिकली। मैं ज़्यादा रिलैक्स मूड में हूँ और मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो 60-65 से ऊपर मैं जा नहीं रहा हूँ बाइक पे। एंड सो फार सो गुड। एंड अभी हॉल्ट लिया है बेसिकली, एक पी ब्रेक बाइक ये है, यू कैन सी द बाइक। तो ठीक है, अभी हम निकलते हैं बेसिकली। 25 किलोमीटर्स मोर टू गो, 1.5 आवर्स और लगेगा। बाय 1 आवर 15 विल बी इन नागासमुद्रम लेक, पोर्टेबल रिजर्वायर। बीच में पद्मस्वामी टेम्पल पड़ेगा, दैट ऑल्सो हम एम्प्टी नंबर ऑफ टाइम देख चुके हैं। लेट्स सी, ओके विल कंटिन्यू। Thank you.
गाइस वी आर जस्ट नियर विकाराबाद नाउ. अब विकाराबाद के पास है, 60 किलोमीटर कर लिया है, 30 किलोमीटर एंड 25 30 किलोमीटर मोर फॉर नगा समुद्रम लेक कोटे रिजर्व है. विकाराबाद तो आई गया 5-6 किलोमीटर फ्रॉम हेयर विकाराबाद. उसके बाद वील प्रोसीड टुवर्ड्स रन पद्मस्वरम टेम्पल, टेम्पल के बाद सीधे वो नगा समुद्रम रिजर्वायर और कोटेपल्ली रिजर्वायर, यू कैन कॉल इट नगा समुद्रम लेक और कोटेपल्ली रिजर्वायर सेम थिंग. तो 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए हैं, 25-30 किलोमीटर और बाकी हैं. एंड आपने देखा रास्ते में, बीच में रास्ता जो था कैसा हो रहा है. बेसिकली वी शो यू द वे इन वन क्लिप, यू हैव ऑलरेडी सीन वाइल ट्रैवलिंग द दैट वे फॉर 4-5 किलोमीटर्स इज बींग, आई थिंक दे विल रिबिल्ड इट, दे विल मेक इट अगेन. तो बेसिकली रास्ता बीच में ख़राब है काफ़ी. तो अभी हम निकल रहे हैं, बेसिकली हम लोग ब्रेक लिया था, अभी 12:40 हो रहा है. हम वी इंटेंड टू रीच बाय 1:30 टू नगासमुद्रम लेक. ओके लेट्स सी गोइंग. So guys, we have reached the Ananta Padmaswamy Temple. You can see that Ananta Padmaswamy Temple is there. Two big statues of, one is Vishnu, Garud, and the other is Lord Hanuman. This is Ananta Padmaswamy Temple. We have reached from Hyderabad around 71 kilometers. 2 hours it took. लगभग 2 घंटे लग गए और मेरी बाइक सामने खड़ी है. बेसिकली मेरी बाइक चमक रही है. बेसिकली माय बाइक एंड पीछे बैग लगा हुआ है. माय वाइफ इज़ हेयर, माय सन इज़ हेयर, वी आर हैविंग टी हेयर. अभी हम चाय पी रहे हैं, यहाँ चाय पीते हैं. उसके बाद वील गो टू नगासमुद्रम लेक कोटेपल्ली रिजर्वायर. दैट विल टेक 1/2 आवर फ्रॉम हेयर, 30 मिनट लगेंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं आपको. अभी चाय वाय पी के निकलते हैं, वहाँ मिलते हैं. हेलो गाइस, सो फाइनली वी हैव रीच्ड कोटेपल्ली कायाकिंग नगासमुद्रम लेक. एंड ये सिचुएशन पहले जैसी हो गई है अर्लियर, दिस यूज टू बी लाइक दिस ओनली. बहुत खाली स्पेस रहता था और पानी कम रहता था. बेसिकली दिस यूज टू बी लाइक दिस फॉर सो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स वी केम हियर. नाउ इन बिटवीन क्या हुआ था, बहुत सारा पानी आ गया था, लॉट ऑफ वाटर केम. सो इवन टिल दैट पॉइंट वाटर यूज टू बी देयर, टिल दैट पॉइंट वाटर यूज टू बी देयर. सो नाउ सिचुएशन इज अगेन बैक टू द बेसिक्स which we used to witness. वो पानी वहाँ तक है और वी हैव पार्क्ड आवर बाइक हेयर एंड सी माई वाइफ हेयर, माई सन हेयर, से हेलो. ओके नाउ हम लोग यहाँ हमने चप्पले जूते खोल दिए हैं और अभी हम लोग पानी के पास जाते हैं, पानी पैर रखते हैं, मज़ा आएगा. एंड दिस इज द सिनेरियो, बेसिकली यू विल लाइक इट. सी लाइक अ सी बीच, दिस इज इंजॉयबल. तो हम इन्जॉय करते हैं बेसिकली यहाँ. लेट अस इन्जॉय अनंतगिरी नगासमुद्रम लेक कोटेपल्ली रिजर्वायर. बाय. एंड सम कायाकिंग इज गोइंग ऑन राइट दैट साइड, सम पीपल आर डूइंग कायाकिंग आल्सो. कायाकिंग ओके. सी गाइस द वाटर एट कोटेपल्ली रिजर्वायर, कोटेपल्ली चेरुवु कोटेपल्ली लेक, कोटेपल्ली लेक नगासमुद्रम लेक. सी द वाटर, अब ये पानी भरा पड़ा है पूरा यहाँ इधर उधर, पूरा उधर बीच टाइप का हो रहा है एकदम, लुकिंग लाइक अ बीच. अच्छा खासा पानी है. सी माय सन इज एंजॉयिंग इन द वाटर, डोंट गो अहेड. देखो लोग वहाँ उधर भी नहा रहे हैं. कोटे कायाकिंग इज गोइंग ऑन उधर, इफ यू कैन सी, आई कैन जूम, यू कैन सी सम कायाकिंग, सम पीपल आर डूइंग कायाकिंग आल्सो. सम कायाकिंग इज गोइंग ऑन नाउ, यू कैन सी इन जूम मोड, सम कायाकिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो पीपल आर एंजॉइंग हियर एंड वील स्टे हियर फॉर 1 आवर. दिस इज गुड, वी आर एंजॉइंग आवर फीट, माई फीट इवन इज इन वाटर, एंजॉइंग वाटर. माई वाइफ इज ऑल्सो देयर, सन इज एंजॉइंग इन वाटर. सो अभी थोड़ी देर रहते हैं यहाँ पर एंड देर आर सम शॉप्स, वील टेक टी और सम स्नैक्स एंड देन हेड टूवर्ड्स हैदराबाद बैक.
It is 2:25 right now. We intend to leave by 3:30 and reach Hyderabad by 5:30 or 6. Okay, see you then. Hello guys. So now we are heading back. We are on our bike. And we are heading back now to Hyderabad. 87 kilometers. So we started now at round number 3. We'll take a tea break now. And probably here at Anand Pradhan Tell, we'll tea break. पानी ले लेते हैं दो चीन बॉटल वहाँ से, तो हमें और वहाँ भी सब 30 मिनट लग जाएगा. फ्री बट वहाँ भी 30 मिनट लग जाएगा. बोलते हैं मीट बाय 5:30 और से कट होम. दिस इज वीडियो फॉर टुडे. एंजॉय वन डे ट्रिप टू अलग्री हिल्स. 90 किलोमीटर वन डे फ्रॉम हाइट हैदराबाद ऑन तेलंगाना फॉर्मल झंडे 2nd June. एंड वी आर एंजॉइंग ऑन तेलंगाना फॉर्मल झंडे आर वेरी ओल्ड स्टेट तेलंगाना फॉर्मल झंडे वी स्टे इन हैदराबाद फॉर लास्ट 16-17 years. सो वी आर एंजॉइंग ऑन तेलंगाना फॉर्मल झंडे टुडे आवर स्टेट Bye.